बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ जीरो नाइन टेर आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो मनीपत में हम होम साहमकम सतान मैं हूँ सुरी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनका बर्थ डेट है वन से लेकर फिफ्टीन तक ओके उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी ठीक है शादी के बाद उनकी लाइफ कैसी होने वाली है क्या चेंजेस आने वाले हैं और अगर कुछ ब्लॉकेजेस दिखेंगे तो वो भी मैं बताऊंगी गाइडेंस भी आपके लिए होगा यहाँ पर एंड आपका करियर वो भी हम देखने वाले हैं सो so, कैसा रहने वाला है और आपकी हेल्थ भी ठीक है तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस रीडिंग में थोड़ा सा लंबा रीडिंग होगा सो so, आराम से बैठ जाएं और फिर ये रीडिंग देखें आप लोग कैसे जो न रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में वो सारी ही बातें रेजोनेट करें जो मैं आपको बताऊं तो जो रेजोनेट करता है उसको ले लें जो नहीं करता है उसको जाने दें ठीक है तो चलिए हम अब ये रीडिंग शुरू करेंगे प्रार्थना करें आ, उनसे जिनको आप मानते हो जिनमें विश्वास है आपको और फिर देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं ऑल द बेस्ट Okay guys, तो यहां पर अब मैं करूंगी आपकी रीडिंग शुरू आपके सामने ही कार्ड्स में शफल करूंगी लाइव रीडिंग होगी देखिएगा कि क्या आता है एंजल्स क्या बताते हैं आपको फिर से देख लीजिएगा थंबनेल में मैंने कहा है कि वन से लेकर फिफ्टीन तक जिनका जो बर्थ डेट है उनके लिए ये रीडिंग है ओके थोड़े से भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जाकर थंबनेल देखें वहां पर सारे ही डेट्स हैं सामने ही आपके उन्हीं के लिए ये रीडिंग हो रही है ओके <clears throat> okay, तो यहाँ पर है द लवर्स ओके okay, तो जो आ, हमारे व्यूअर्स हैं जो ये आ, वीडियो देख रहे हैं ये रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है उनकी राशि मिथुन हो एयर साइन हो सकते हैं ठीक है यहाँ पर मिथुन राशि यानी कि जयमनाए के आ, एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है आ, साथ ही साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपका नेचर कुछ ऐसा हो आप काफ़ी काइंड हो सकते हो ठीक है काफी काइंड लविंग दूसरों की हेल्प करने वाले और जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है सहा है बट हमेशा ही कहीं ना कहीं एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका दिल अच्छा है ओके सो ओके मैं यहाँ पर कोई भी कनेक्शन आज नहीं बोलने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है ठीक है अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो आ, अच्छी बात है मैं यहां पर सिर्फ ये रीड करूंगी कि आपकी शादी होने के बाद में सब कुछ कैसा रहेगा ओके सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों ही कार्ड्स बैलेंस के बारे में बात करते हैं तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि आ, शादी होने के बाद में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा यानी कि जितना प्यार आप अपने हस्बैंड या वाइफ से करोगे उनकी फैमिली को जितना रिस्पेक्ट दोगे उतना ही आपको भी मिलने वाली है हालांकि ये तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे कुछ कठिनाइयाँ भी होंगी ये कठिनाइयाँ कैसी हैं हम देखेंगे आगे कार्ड्स में क्या कुछ होने वाला है बट वैसे अगर मैं देखूँ तो एक स्टेबल लाइफ आपको मिलेगी जितना देंगे उससे उसका Uh, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि दुगना ही मिलने वाला है वैसे तो सब कुछ इक्वल रहने वाला है बराबर का एक बैलेंस आपको मिल जाएगा ठीक है लाइफ में आ, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साइन हो सकते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो या फिर जिनके साथ में उनकी शादी होगी वो आ, अपनी माँ को बहुत प्यार करते होंगे ठीक है और जो आपके पार्टनर हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ और काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे इनके इनको फ्रेंड्स बनाना काफ़ी अच्छा लगता होगा और बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप करते होंगे ऐसा नहीं है कि अगर किसी को दोस्त बोला तो बस बोला ही है और उसके आगे कुछ नहीं ठीक है पूरी हेल्प करना उनका ख्याल रखना ये बड़े ही अच्छे से इनको आता होगा आँ... मुझे दिख रहा है कि ये भी एक तरीके से एक ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जैसे ये एक हीलर हैं तो हो सकता है कि ये ऐसा कोई काम करते हों हीलिंग का अगर ऐसा कोई काम नहीं करते हैं तो बेशक इनका मन ऐसा है कि अगर ये किसी गरीब को या किसी को ऐसा जो जो तकलीफ़ में है ठीक है देख लेते हैं तो तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं आ, चैरिटी करना इनको बहुत पसंद है ठीक है द स्टार लो आप ही गया यहाँ पर कार्ड ठीक है तो स्टार सीड हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर क्योंकि पहले ही जो दो कार्ड्स आए हैं उनसे मुझे ये दिखाई दे रहा था कि एंजल्स कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको आपके पार्टनर को और अगर आप इनको पहले से जानते हो तो आप दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप दोनों ही आ, हीलर्स हो आप भी लोगों को हील करते हो ये भी लोगों को हील करते हैं यहाँ पर स्टार सीट का कार्ड भी है तो ये आ, कार्ड बताता है कि भाई आप दोनों ने ही जीवन में बहुत कुछ झेला हुआ है रिलेशनशिप्स रहे होंगे और टूटे होंगे ये हुआ ही होगा क्योंकि अगर आप स्टार सीट हैं उनके साथ में ये होता है ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है ठीक है कि वो किसी कनेक्शन में आते हैं वहाँ पर उनको चीट किया जाता है या फिर जो भी काम करते हैं उस शुरुआती आ, समय में वो असफल ही होते हैं और धीरे 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 करके वो आगे बढ़ते हैं और फिर उनको सक्सेस मिलता है यानी कि जर्नी उनकी काफ़ी टफ होती है ठीक है आ, उनको लेसन्स दिए जाते हैं कि आपको किस तरीके से लोगों की पहचान करनी है और किस तरीके से दूसरों का दुख समझना है किस तरीके से दूसरों की हेल्प करनी है ये सारे लेसन्स उनको दिए जाते हैं और इसीलिए ये सब कुछ होता है क्योंकि आप अगर एक स्टार सीट हो तो आप इस दुनिया से नहीं हो आप किसी और दुनिया से हो और इस दुनिया में आप सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करने आए हो और लोगों को कुछ सिखाने आए हो उनको हील करने आए हो जो आ, मैं कहूँगी कि, कि कुछ शक्तियाँ आपको मिली होती हैं ठीक है पहले से ही और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोगों को हील करने का आपका काम होता है और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग ट्रिन फ्लेम जर्नी में होते हैं या सोनमेट कनेक्शन में होते हैं उनमें से एक ना एक स्टार सीट जरूर सभी के लिए नहीं है बट ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँगी कि होता है कोई ना कोई क्योंकि उनका पर्पज ही होता है दूसरों को हील करना वो जैसे ही दूसरों को हील करना शुरू करते हैं दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं खुद को छोड़कर वैसे ही उनकी जो विशेज हैं वो पूरी होने लग जाती हैं और जब तक वो ये नहीं समझते नहीं सीखते अपना लाइफ पर्पज फॉलो नहीं करते हैं तब तक उनका खुद का यूनियन नहीं होता ये होता है यहाँ पर ओके कुंभ राशि के हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर काफी फेमस हो सकते हैं वो या फिर आप काफी पॉपुलर हो सकते हैं लोगों का प्यार मिलता होगा आपको काफी सुंदर दिखते होंगे आप या आपके पार्टनर जैन वॉन्स काफी जिम्मेदारियां हैं आप दोनों पर ही हम्म फैमिली की जिम्मेदारियां और भी कई चीजें अगर आप एक हीलर हो तो बेशक जिम्मेदारी तो होती है भाई जैसे किसी कोई भी हीलर होगा तो उस पर जिम्मेदारी होती है जैसे वो अपने बच्चे की केयर करता है वैसे उन सारे ही लोगों की केयर करनी होती है जो उसके पास आते हैं जैसे आप लोग मेरे पास आते हो आ, तो मेरा यही रहता है कि मैं रेमेडीज दूँ और आप लोगों का काम बने और आप लोगों की तकलीफ दूर हो और जब तक आपकी तकलीफ दूर नहीं होती मैं बेचैन रहती हूँ ये सभी ये हीलर्स के साथ में होता ही है तो बस वही है ये जिम्मेदारियाँ हैं फायर साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप ओके okay. इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हो सकता है एस एन ए आर एल टी एम एन ओके इससे आपका नाम शुरू हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का और अगर ये रेजोनेट नहीं होता है तो कोई बात नहीं रीडिंग आप देखें वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे यही लग रहा है एटी परसेंट लोगों के लिए कि शायद आप इनको जानते हो और बाकियों के लिए हो सकता है नहीं मिले हो तो मिल जाओगे आ, नहीं मिले हो और जब मिलोगे तो क्या होगा वो मैं बता देती हूँ कनेक्शन ये स्पिरिचुअल है मिलने के बाद में हो सकता है कुछ वक्त आप लोग साथ रहें लेकिन सेपरेशन होगा ज़रूर ठीक है और इसी सेपरेशन में आप सीखेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है और ये जो इस कनेक्शन में हुआ ठीक है दूर हो जाना ये सेपरेशन हो जाना या फाइट हो जाना कुछ भी ये क्यों हुआ इसकी वजह आप ढूंढेंगे और सवाल आएंगे आपके मन में और उसके बाद क्या होगा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि और कोई आपके सवालों के जवाब दे ही नहीं सकता आप ईश्वर से सवाल करेंगे यूनिवर्स से सवाल करेंगे और उनके जवाब फिर आपको ऐसे ही मिलते हैं <laughs> जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो जैसे आप मेडिटेशन करोगे जैसे आप सेल्फ हीलिंग करोगे ठीक है इनर वर्क करोगे ये सारी चीज़ें करोगे और जैसे जैसे इस रास्ते पर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप एक हीलर बन जाओगे दूसरों को हील करोगे दूसरों के लिए प्यार आएगा आपके मन में आ, आपके अंदर से जो भी बुराइयां हैं वो दूर होंगी ठीक है सो so, प्योरीफिकेशन होगा आपका ठीक <laughs> है इसे प्योरीफिकेशन बोलते हैं तो एक तरीके से एंजल्स आपको प्योर करेंगे पूरी तरीके से शुद्ध करेंगे जो भी आप में कमियां हैं वो निकालेंगे और आ, आपको एक एंजल ही बना देंगे ये समझ लो एंजल्स के कांटेक्ट में रहोगे तो वो एंजल्स ही बनाएंगे आपको ठीक है ऐसा होता है यहाँ पर आप देखते हैं और क्या आता है हैंगमैन तो यस काफ़ी अगर आप इनको जानते हो पहले से तो ये कनेक्शन ऐसा है जो काफ़ी पुराना हो सकता है और ना ही इस कनेक्शन को आप छोड़ पा रहे होंगे और ना ही ये आगे बढ़ पा रहा होगा आ, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग तो मैनिफेस्टेशन वगैरह इन वर्क करने भी लग गए हैं लेकिन फिर भी अभी कोई रिजल्ट उन्हें दिखाई नहीं दे रहा इसका रीज़न ये है कि आपको वेट करना होगा थोड़ा वेट करना है अभी ठीक है ना आ, वैसे अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ यहाँ पर तो मुझे तो दिख रही है टाइमिंग आ, या तो इस अप्रैल में कुछ ना कुछ होगा और अगर ये अप्रैल नहीं होता है तो अक्टूबर या फिर नेक्स्ट ईयर फेबरुअरी एंड मार्च ठीक है ये मंथ्स हैं आपके लिए जबकि आपका यूनियन हो जाएगा इनके साथ में और अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी तक किसी से नहीं मिले हैं तो हाँ जी आपको ये मंथ्स मैंने दिए हैं इनमें आप मिल जाओगे नाइन ऑफ पेंटिकल्स यस आप वेट कर रहे हैं <laughs> आप पूरे धैर्य के साथ में वेट कर रहे हैं आप खुद पर काम भी कर रहे हैं जैसे कि मैंने कहा ही मुझे पहले ही लगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो शायद है ना वो कर रहे हैं पहले से उनको समझ भी आ गया है कि ये कनेक्शन क्या है उनको कैसे आगे बढ़ना है कैसे यूनियन होगा सो बहुत अच्छी बात है सही जा रहे हैं आप देखते हैं कि कैसा रहेगा शादी के बाद सब कुछ आपका ये मैंने इसलिए थोड़ा बहुत बताया ताकि आपको समझ आ सके कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है टेन ऑफ पेंटिकल्स वेरी नाइस अबंडेंस काफी होगी मुझे ये भी लग रहा है कि साथ में ही मिलकर आप दोनों कुछ नया करेंगे कुछ बड़ा करेंगे कुछ क्रिएटिव करेंगे अ uh, ढेर सारा पैसा आने वाला है अगर अभी आप कुछ नहीं करते हैं वैसे तो यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स है पहले से ही आप काफी अबंडेंट हो। लेकिन जो लोग नहीं भी हैं शादी के बाद अबंडेंस उनके लाइफ में आने वाली है ठीक है ना? <coughs> शायद आपके जो पार्टनर हैं उनको एनिमल्स रखना अच्छा लगता हो घर में ठीक है और आ... हो सकता है उनकी कोई फैक्ट्री वगैरह हो फैक्ट्री हो या खुद का उनका स्कूल हो हॉस्पिटल हो सकता है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर कुछ भी नहीं है तो घर बहुत बड़ा होगा उनका ठीक है और अगर अभी नहीं है सपोज आप इनको जानते हो और ऐसा कुछ भी नहीं है तो शादी के बाद हो जाएगा ठीक है ना अबंडेंस है ना काफ़ी तो रेंट पर अगर ये रहते हैं ना तो आपका खुद का एक घर हो जाएगा शादी के बाद और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है एस ऑफ सोर्ट्स ओके तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना ये नहीं रहेगा कि आपके मन में कुछ चल रहा है तो आपने नहीं बताया उनके मन में कुछ चल रहा है तो उन्होंने नहीं बताया आप हमेशा अपनी बात पूरी तरीके से साफ तरीके से उनसे बोल दोगे और वो भी वही करेंगे और ये बहुत अच्छा है किसी भी कनेक्शन में ये होना बहुत ज़रूरी है क्लैरिटी होनी चाहिए ये नहीं कि बंदा सामने से कुछ बोल रहा है मन के अंदर कुछ और ही चल रहा है तो ये चीज़ें ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती हैं फिर रिलेशनशिप ख़राब होता है तो यहाँ पर ए इस सोर्स का कार्ड आया है बहुत खुश हूँ मैं कि आ, दिल खोल कर आप अपनी बात कहेंगे वो भी आपसे अपनी बात कहेंगे और इसीलिए ये इस कनेक्शन में कोई भी आ, थर्ड बंदा आकर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता ये बहुत अच्छी चीज है और देख लेते हैं फाइव ऑफ वॉन्स यस मैं अभी कह रही थी कि कोई थर्ड बंदा आकर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा नहीं कर पाएगा ठीक है तो यहाँ पर फाइव ऑफ बॉन्ड्स है जो कि ये दिखाता है कि हाँ लोगों को जलन होगी और लोग प्रयास तो पूरा करेंगे कि भाई आप दोनों के बीच में आ, गलत फहमी डाली जाए लेकिन वही है कि कुछ हो नहीं सकता यहाँ पर रेस ऑफ सोर्स है और ये जो कार्ड है बताता है कि कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है वो चाहती है कि आप दोनों साथ रहें और आप दोनों के बीच में क्लैरिटी रहे किसी भी तरीके का भ्रम ना हो किसी भी तरीके की गलत ना हो सो so, डिवाइन ही प्रोटेक्ट करने वाली है इस कनेक्शन को तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं होने वाला बट हाँ यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो दिख रही है कि लोग कोशिश तो पूरी करेंगे ठीक है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो परेशानियाँ खड़ी हों ठीक है ये होगा फैमिली भी हो सकती है या फिर बाहर वाले भी हो सकते हैं कुछ लोग जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो बट होने कुछ नहीं वाला है एस ऑफ़ पेंटिकल्स ओके तो हो सकता है कि आपका अपना कोई स्कूल या कॉलेज हो जैसे कि मैंने पहले ही बताया या फिर योगा सेंटर हो सकता है या फिर यहाँ पर कोई टीचर है ठीक है योगा टीचर हो सकते हो स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो या आप या आपके पार्टनर uh, एक स्टेबल लाइफ आपको मिलेगी खुद का आपका घर होगा जो चीज़ें मैंने पहले बताई थी वो यहाँ पर कंफर्म हो गई हैं ठीक है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में एस ऑफ सोर्स एस ऑफ पेंटिकल्स से दो एसेज आए हैं बहुत ही अच्छी रीडिंग है क्योंकि जब भी किसी रीडिंग में अगर दो एसेज जा आ जाते हैं तो समझ जाइए कि बहुत लकी हैं आप लोग ठीक है ना तो यहाँ पर दो एसेस हैं यहाँ पर क्लैरिटी भी है यहाँ पर अबंडेंस भी है स्टेबिलिटी भी है अच्छी हेल्थ आपकी रहेगी अगर अभी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है ना तो शादी होने के बाद में ये समस्या दूर हो जाएगी आपकी हो सकता है आपके पार्टनर खुद ही एक डॉक्टर हो <laughs> ओके तो आपको ठीक कर दें कर, कर देंगे अगर नहीं है तब भी आपका पूरा ख्याल रखेंगे तो किसी तरीके की आ, हेल्थ से जुड़े हुए कोई इश्यूज नहीं होने वाले व्हील ऑफ फॉर्चून काफ़ी खुश रहेंगे आप ये भी अबंडेंस का कार्ड है और ये भी अबंडेंस का कार्ड है ये भी अबंडेंस का कार्ड है ये सारे ही कार्ड्स जो हैं बता रहे हैं कि खुशियाँ चारों तरफ से आपको घेर कर रखेंगी सब कुछ मिलेगा आपको प्यार सम्मान पैसा नाम मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद कोई नया कोर्स भी करें अगर अभी आप सपोज़ कुछ लोगों का रह जाता है ना पढ़ाई वगैरह आधा रह जाता है तो वो पूरा हो जाएगा हो सकता है आप आ, किसी और कंट्री में जाएं कुछ दिनों के लिए कुछ करने के लिए कुछ नया करने के लिए यह भी मुझे लग रहा है कि आ, हो सकता है आपके जो पार्टनर है काफी दूर रहते हों आपसे ओके या सोशल मीडिया पर आप मिले हों या फिर मिलें अगर नहीं मिले हैं तो ये भी पॉसिबल है बट खुशियां बहुत होंगी दो कार्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि ये एक डेस्टेंट कनेक्शन होगा ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती किसी के साथ में शादी करवा दी जाएगी ठीक है इन्हीं के साथ में लिखी है शादी और इन्हीं के साथ में होगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा फाइव ऑफ कप्स तो हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो एज में कुछ आपसे बड़े हों और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कुछ इन्होंने लाइफ में झेला होगा तो इनको थोड़े से सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं ठीक है ना ऐसा इनका नेचर हो सकता है या फिर हो सकता है आपके साथ ये हो बट जो भी है क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में आया है तो ये कार्ड ये भी बताता है कि शायद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लगता होगा कि किस्मत उनका साथ नहीं देती है बट ये कनेक्शन मिलने के बाद में ये गलत फहमी दूर हो जाएगी क्योंकि ये है एक मेजर अकाना ये मेजर अकाना नहीं है माइनर है ठीक है और देख लेते हैं ओके okay, तो मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि आ, हो सकता है कि आपकी जिनके साथ में शादी हो आ, उनके साथ में आपका सेपरेशन चल रहा हो या फिर ऐसा हो सकता है कि आ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है बताती हूँ या तो आपका सेपरेशन चल रहा होगा आ, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज हो ठीक है और आपका रिश्ता पक्का हुआ सब कुछ अच्छा चल रहा था इंगेजमेंट हुई शादी होने वाली थी और उस वक्त ये रिश्ता टूटा कुछ और लोगों की वजह से ठीक है सब कुछ खत्म हो गया तो ये रीज़न भी होता हो सकता है कि ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं कि आपके पार्टनर को लग रहा हो कि पता नहीं अब शादी हो भी पाएगी या फिर नहीं या आपको लग रहा है कि हो भी पाएगी या फिर नहीं बट यहाँ पर डेथ का कार्ड है जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है ना कि नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर डेथ ये बता रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये जो एनर्जी है इसका एंड हो जाएगा ठीक है अगर ऐसा है तो अगर ऐसा नहीं है सपोज तब भी अगर किसी भी तरीके की डार्क एनर्जी होगी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी आप दोनों के कनेक्शन में कुछ और लोगों की वजह से या फिर हो सकता है सेल्फ वर्थ इश्यूज हो इनके साथ तो वो एंड हो जाएगा ओके okay. और देख लेते हैं नाइन ऑफ सोर्स। आई थिंक आप इनसे मिल चुके हो जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो इनसे मिल चुके हो क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है वो ऐसी ही आ रही है कि शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आपके पार्टनर भी स्ट्रेस में हैं कहीं ना कहीं आप दोनों को लग रहा है कनेक्शन आगे नहीं चल पाएगा ऐसा कुछ हो जाएगा बट गाइस मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है तो आप लोग ओवर थिंक ना करें कुछ ऐसा होता जो कि पॉजिटिव नहीं होता तो मैं आपको खुद बता देती आपको पता है मैं सच बोलती हूँ मुझे तो कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि अरे आपने नेगेटिव रीडिंग दे दी लेकिन मैं नहीं सुनती क्योंकि मुझे सच बोलना है मुझे भ्रम में नहीं रखना है मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरे व्यूअर्स को और इसलिए अगर उनको लगता भी है बुरा तो मैं उस बारे में नहीं सोचती सपोज अगर मैं कोई रीडिंग देती हूँ जिसमें ना बोलती हूँ या फिर ये बोलती हूँ कि ये काम लेट होगा तो उस पर अभी रिसेंटली मैंने एक रीडिंग किया था जहाँ पर मैंने बोला कि हाँ यूनियन होगा बट लेट होगा तो वहाँ पर किसी ने मुझे कमेंट किया कि आपकी रीडिंग नेगेटिव है आप लेट ना बोला करें ये मुझे बोला तो मैंने उनको यही बोला कि अगर मैं आपके हिसाब से बोलूँगी आप सुनना चाहते हो कि ये काम जल्दी हो जाएगा मैं बोल दूँ कि यूनियन जल्दी हो जाएगा ठीक है तो अगर मैं आपके मन के हिसाब से बोलती हूँ तो ये गलत होगा क्योंकि मुझे जो दिख रहा है मैं वही मैं सच बोलूँगी ठीक है आप नहीं सुनना चाहते हैं कोई बात नहीं बट अगर मैंने झूठ बोला कि भाई दो तीन महीने में यूनियन हो जाएगा और फिर दो तीन महीने में आपका यूनियन नहीं हुआ तो वापस आकर आप मुझसे ही कहेंगे ना कि भाई आप तो झूठी रीडिंग करते हो ऐसा कुछ नहीं होता है ना और आप भी आस लगाकर बैठ जाओगे तो आपके लिए भी गलत है और मेरे लिए भी गलत है मैं अपने काम के साथ में भाई ईमानदार हूं मैं नहीं चाहती कि कोई धोखा करूं मैं दूसरों के साथ और खुद के साथ तो मैं सच बोलती हूं इसलिए अगर यहां पर ये यह कार्ड्स आ रहे हैं और आप लोग घबरा रहे हो कि अरे ये क्या है ऐसे कार्ड्स आ गए तो मैं बता दूँ कि यहां पर अभी कुछ ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हूं कुछ होगा तो मैं बोल दूंगी ठीक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आपका सबसे प्यारा आया है लवर्स का सो डोंट वरी एट ऑफ पेंटिकल्स ओके सो यहां पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही काफ़ी मेहनत करने वाले हो कुछ नया बनाओगे मैंने कहा ना कि हो सकता है कोई घर लो कोई कंपनी ही बना लो कोई कुछ तो कुछ करोगे कुछ बड़ा करोगे आप दोनों ही मिलकर व्यस्त रहने वाले हो और देख लेते हैं फैमिली के साथ में क्या है आप दोनों की तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि बहुत अच्छी है आप दोनों में बहुत प्यार होगा अट्रैक्शन है लव है सब कुछ है अंडरस्टैंडिंग है अच्छी फ्रेंडशिप है सब कुछ है किसी भी कनेक्शन में कि, किसी भी रिलेशनशिप में अगर फ्रेंडशिप होती है ना तो समझ जाओ वो रिश्ता बहुत लंबा चलता है तो वो भी है एक स्टेबिलिटी uh, आपको मिल जाएगी आपके पार्टनर को मिल जाएगी आप दोनों एक दूसरे को पूरा करोगे ठीक है ऐसे एनर्जी है तो देखूंगी फैमिली के साथ कैसी रहने वाली है सोलमेट हो सकता है कनेक्शन हालांकि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर कनेक्शन डिस्कस नहीं करूँगी लेकिन हाँ दो कार्ड्स ऐसे आए हैं तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए सोलमेट हो सकते हो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोग बचपन से ही एक दूसरे को जानते हो ओके okay? या फिर जब आप लोग मिले होंगे उस वक्त आपको लगा होगा कि आप बहुत पहले से इनको जानते हो अगर नहीं मिले हो तो मिलने के बाद आपको लगेगा जिनके साथ में आपकी शादी होगी कि आप जन्मों से इनको जानते हो ठीक है ना फैमिली के साथ काफ़ी अच्छी बनेगी ये भी मैं बता दूँ यस ओके विक्ट्री है इस कनेक्शन में इस शादी के बाद में बहुत खुश रहने वाले हैं थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं वो सभी के साथ आते हैं आप अगर सोचो कि सब कुछ बहुत अच्छा ही हो तो पॉसिबल नहीं है ठीक है फॉर अ वनज ही आ गया सेलिब्रेशन का कार्ड है मैरिज का कार्ड है अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए दोनों ही शादी के कार्ड हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से शादी होगी धूमधाम से होगी लोगों की सहमति से होगी कुछ लोगों के लिए मुझे जो लगा जो मैसेज आया वो ये कि हो सकता है टेन टू ट्वेंटी परसेंट लोगों के लिए ये शादी किसी छोटे से मंदिर में या गुरुद्वारे में या आप चर्च में कर सकते हो मतलब छोटे रूप में मुझे लग रहा है और सारे लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है बहुत ही धूमधाम से होगी लेकिन कुछ टेन टू ट्वेंटी परसेंट लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अचानक से होगी और छोटे से तरीके से होगी ठीक है सो यस स्पेशली उनके लिए जिनका फायर साइन है उनके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से ये शादी हो और देख लेते हैं गाइस क्या आता है आपके लिए कैसा रहने वाला है शादी के बाद सब कुछ ये कार्ड्स भी मैं देखने वाली हूँ एम्पर ओके बच्चे बच्चे बड़ा सोच समझ कर आ, आने वाले हैं आपके अः <laughs> हो सकता है शादी के कम से कम एक या दो साल के बाद में आप बेबी प्लानिंग करो उससे पहले मुझे नहीं लगता ओके द फूल एंजॉय करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा बहुत ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे आ, और कहीं ना कहीं रिस्क टेकर बन जाएंगे आप ठीक है हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे हों सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और बिल्कुल ना आपकी लाइफ एक तरीके से बिल्कुल नई हो जाएगी ठीक है सब कुछ बदल जाएगा जैसे कि पहले था हो सकता है अभी आप बहुत कुछ झेल रहे हों परेशानी में हों तकलीफ में हों तो सब कुछ एकदम से नया हो जाएगा आपको लगेगा कि एक नई जिंदगी आपको मिल गई खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी ठीक है नई जिंदगी शुरू होगी नए नए लोग वैसे भी होता है शादी के बाद लेकिन आपके लिए तो कुछ अलग ही लग रहा है आपके लिए तो ये लग रहा है कि बस एक ऐसी दुनिया में आप खो जाओगे जो कि शायद आप सपनों में देखा करते थे ठीक है Ten of swords, yes. मैं अभी कह ही रही थी कि हो सकता है अभी आपकी सिचुएशन ऐसी हो बहुत ज्यादा तकलीफ में हो पेन में हो आ, बहुत ज्यादा आपने सहा है हीलिंग चल रही है आपकी बट शादी के बाद ऐसा नहीं रहने वाला ठीक है <laughs> नाइन ऑफ कप सी मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे कार्ड्स आ रहे हैं ठीक है आपकी विश जो है वो पूरी हो जाएगी जैसे कि जैसी लाइफ आप चाहते थे वैसी आपको मिलने वाली है और देख लेते हैं द लवर्स फिर से आ गया सो so, बहुत प्यार करेंगे आपके पार्टनर आपको सच में आप भी करोगे बट बत... वैसे तो सब कुछ बराबरी का है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपको बहुत प्यार करेंगे बहुत ही ज़्यादा <laughs> दो टैक्स से लवर्स आया है और देख लेते हैं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डिफरेंसेस हो सकते हैं शायद कास्ट का या रिलीजन का लेकिन शादी आपकी होगी कठिनाइयों से होगी लेकिन हो जाएगी और उसके बाद तो फिर मज़े ही मज़े हैं सी एस ऑफ कप्स मैंने कहा ना कि बहुत प्यार करेंगे वो आपको रिस्पेक्ट भी बहुत करेंगे ठीक है मार्च का जो मंथ है मार्च एंड अप्रैल ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कैसे भी रह सकता है आपके रिलेशनशिप को देखो तो आपके करियर को देखो तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है या फिर हो सकता है कि ये मंथ हो आपका या आपके पार्टनर का जब बर्थडे होता है ठीक है आप दोनों में से जन्मदिन होता हो किसी मंथ में स्ट्रेंथ ओके okay. तो मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आप या, या फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पैशन बहुत है <laughs> बहुत अट्रैक्शन है अट्रैक्शन कभी खत्म नहीं होगा लव कभी खत्म नहीं होगा ऐसा कनेक्शन है ठीक है और ज़रूरी होता है ये दोनों ही होना दोनों ही खत्म नहीं होने चाहिए तभी शादी अच्छी चलती है तो ये दोनों ही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं लेकिन आप काफ़ी डोमिनेटिंग हो ये मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर से ज़्यादा आप जैसे चाहोगे भाई वैसे घूमने वाले हैं वो <laughs> इधर घुमाया तो इधर उधर तो उधर <laughs> और देख लेते हैं सेवन ऑफ कप्स हाँ काफ़ी सी अपने पार्टनर से मिलने के बाद में ये शादी होने के बाद में आपकी लाइफ पता है कैसी होने वाली है आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करें जैसे अगर आप कुछ मैंने कहा ही कि हो सकता है कुछ नया कोर्स करना चाहें आप कुछ पढ़ना चाहें कुछ कुछ भी करना चाहें ठीक है तो इसमें वो पूरा पूरा सहयोग करेंगे आपका किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने देंगे तो उस वक्त क्या हो जाएगा आपके साथ ऐसा होगा कि क्या किया जाए पहले पहले क्या किया जाए ठीक है कुछ ऐसा होने वाला है इतने सारे ड्रीम्स होंगे आपके और कैसे कौन सा पहले किया जाए किस तरीके से किया जाए इसमें कंफ्यूज्ड रहेंगे आप होता है ना कि नहीं मिला नहीं मिला मिला तो फिर छप्पर फाड़ कर मिला तो वो वाला हाल है आपका बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये तो सच में और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है फोर ऑफ पेंटिकल्स तो काफी पॉजिटिव रहने वाले हैं आपके पार्टनर आपके लिए और आप उनके लिए ये दोनों के लिए ही है ठीक है और देख लेते हैं भाई क्या आता है यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है कोई अगर कोई ब्लॉकेजेस ना हो इसके लिए क्या करने की जरूरत है ये जरूर मैं देखूंगी पहले यहाँ से देख लेते हैं से क्या आता है आपके लिए फिर ब्लॉकेजेस के लिए कुछ और देखेंगे कि अगर आप इनको जानते हो और ये शादी नहीं हो रही है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है नहीं जानते हो तो फिर आपको अभी से क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि आपको ये जल्दी से जल्दी मिल जाए और शादी हो जाए और बढ़िया तरीके से सब कुछ चले जैसे कि यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं सोरो ओके okay. यहाँ पर है आपके लिए गाइडेंस गाइडेंस की जरूरत है आपको लेजीनेस ओके okay. तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने भी आ, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ में कुछ ऐसा है कि शायद शायद अगर मैं उनसे कहूँ कि भाई आप मैनिफेस्ट करो या फिर आप ये मंत्र चैंटिंग करो या कुछ भी तो वो थोड़े से लेजीनेस के एनर्जी में चले जाते हैं मतलब करने का मन नहीं होता ठीक है और दुखी रहते हैं आपके साथ कुछ है ऐसा है आप परेशान रहते हो लेकिन अगर आपको कोई रेमेडीज दी जाए तो आप वो नहीं करते और इसका रीज़न ये है कि आपको ये लगता है ये सब काम नहीं करेगा ये होता है जब आप डिप्रेशन में होते हो ना तब ये होता है आपको अगर कोई उपाय बताया जाएगा कोई आपको दवाइयाँ अगर आप बीमार हो आपको दवाइयाँ दी जाएं तो आप पहले से ही सोच लेते हो ये दवाई काम करेगी ही नहीं क्या फ़ायदा खाने का ठीक है तो कुछ वैसे ही है यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि गाइडेंस आपको देने वाले लोग हैं या तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गाइड करता ही नहीं और या फिर ऐसा है कि गाइडेंस आपको मिलता है तो वो आप सुनते नहीं हो क्योंकि आप पहले से ही ये सोच कर बैठे हो कि ये आगे कुछ हो ही नहीं सकता अब सपोज आप अगर इनसे मिल चुके हो और आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं जैसे कि फाइव ऑफ वॉन्स यहाँ पर आया था और अगर आपको कोई रेमेडीज बताता है कि भाई ये करो इससे आपका काम बनेगा तो आपके मन में ये चीज़ बैठी हुई है अरे उनकी फैमिली ने तो कह दिया है नहीं तो कैसे मान जाएंगे हो ही नहीं सकता हमारी तो कास्ट ही अलग है उसने मुझे बोल दिया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता और अब मैं क्या करूं और फिर जब कोई बोलता है कि भाई ये कर लो अरे ये काम ही नहीं करेगा मुझे पता है ये काम कर कर ही नहीं सकता ठीक है तो जिनके साथ में ऐसा है उनके लिए ये कार्ड्स आए हैं अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जनरल रीडिंग है लेकिन जिनके साथ में ये प्रॉब्लम है उनको ये बताया जा रहा है कि भाई ऐसे काम नहीं चलता कुछ चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उनको चीज़ें मिल जाती हैं कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हाँ उनको जो चाहिए उनकी किस्मत में है लेकिन जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा ऐसा है तो है अब क्योंकि आप एक स्टार सीर हो तो आपको तो करना ही पड़ेगा अब ये मत कहना किस्मत ख़राब है ये गलत है ये नहीं कहना चाहिए ठीक है इससे कोई फायदा नहीं है कुछ नहीं निर्णय निकलने वाला ठीक है ना आप देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है आपको क्या करना चाहिए एक गाइडेंस तो मिल गया और देख लेते हैं देखते हैं क्या कार्ड आता है आपके लिए यहां पर बड़े अच्छे से मैं समझा रही हूं फिर भी ना समझ आए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता ओके okay, तो यहाँ ओ ओके ये जो कार्ड है गाइस ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये अ कहीं ना कहीं जैसे आपका स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि पहले आया भी था उसी से मिलता जुलता है ये कार्ड बताता है कि सी अगर अभी आप इतने नेगेटिव एनर्जी में रहते हो जैसे कि यहाँ पर बताया गया तो ये बहुत गलत है शायद आपको पता ही नहीं है कि आप हो क्या क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप दुनिया को बदल सकते हो ओके दिखने में बहुत सुंदर होंगे आप टैलेंटेड होंगे बट हो सकता है कुछ लोगों में ये कुछ सेल्फ वर्थ इशूज़ हों कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या है किसी ने जैसे कि मैंने कहा कि स्टार सीड्स हो तो हो सकता है आपके कनेक्शन नहीं बचे हों रिलेशनशिप में आप रहे हों लोगों ने चीट किया हो तो आपके अंदर वो भावना बैठ गई हो कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ में कमिटमेंट में जाऊँ शादी भी होगी तो अच्छी नहीं चलेगी मुझे कोई प्यार नहीं करेगा तो इस सबको अपने अंदर से बाहर निकालो आप में वो क्षमता है कि आप दुनिया बदल सकते हैं इतने पावरफुल हैं आप चमक है आप में और उस चमक को बाहर आने दो ठीक है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा रिलेशनशिप को लेकर या फिर करियर को लेकर तो आप इस तरीके से सोचो ये गलत है ये सब कुछ आपके जीवन में इसलिए हुआ क्योंकि आपको वहां पहुंचाया जाए जहां पर आपको जाने की जरूरत है जो आप हैं आप खुद को जान सके समझ सके लेकिन यहां पर अगर ये एनर्जी है तो ये तो उल्टा ही हो रहा है आपका अब आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैंने जो आपको बताया है कम से कम अब समझ चाहिए ठीक है आपको कुछ बहुत बड़ा करना है खुद के लिए सभी के लिए ए, आप ना एक तरीके से सन की तरह है जो रोशनी ही रोशनी फैलाता है और आप कहीं ना कहीं किसी डार्कनेस में खोए हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने से चीजें आपको होती हुई नजर नहीं आ रही ओके okay? अगर आपके साथ ऐसा है अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो मैं ये कहूंगी कि ये जो कार्ड आया है ये आपको बताता है कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं जहां पर आपको होना चाहिए था अच्छे से आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं आप में कॉन्फिडेंस है आप में वो ग्लो है जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं ठीक है वो चमक है वो आप, आपका और ऐसा है आ, कि आप लोगों को अपनी तरफ खींचते हो और ये बहुत अच्छा है और आपको इसी एनर्जी में रहना है ठीक है आपको चेंज नहीं करना खुद को राइट यस सो कुछ ऐसी रहने वाली है आपकी मैरिड लाइफ सब कुछ बहुत अच्छा मुझे दिखा फैमिली के साथ भी बनेगी आपके पार्टनर के साथ में भी बनेगी अबेंडेंस है आपके लाइफ में आ, बच्चे हैं <laughs> दो से तीन हो सकते हैं आई थिंक ओके सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पर ब्लॉकेजेस जो मुझे दिखे वो मैंने आपको बता दिए बेहतर होगा कि इन पर काम करें मेडिटेशन करें तो खुद ब खुद ये ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे आपसे मैं कहूँगी कि टाइगर आई का ब्रेसलेट पहने या फिर ग्रीन एडेंचुर वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा टाइगर आई का ये है देखिए मेरे पास है ये मैं डालती हूँ हमेशा ही आप चाहें तो ये ले सकते हैं या फिर ये रिंग ले सकते हैं ये दोनों टाइगर आई ही हैं ठीक है और चाहें तो ग्रीन एवेंचुरन पहने वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा या फिर रूबी आप डाल सकते हो ठीक है सो अब हम देखेंगे कि आपका करियर कैसा रहने वाला है ये तो आपकी मैरिड लाइफ के बारे में हो गया कि कैसी रहेगी मैरिड लाइफ किसके साथ होगी क्या होगा आ, अब हम देखेंगे कि करियर आपका कैसा है चलिए हेलो गाइस तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए देखूंगी कि करियर आपका कैसा रहेगा हेल्थ भी देखूंगी कैसी रहेगी लेकिन पहले करियर देखते हैं ओके okay, तो यहां पर पहला कार निकालते हैं यहां पर है वर्ल्ड ओके गाइस ये रिवर्स्ड नहीं था क्योंकि मैंने कार्ड सी डेक ही ऐसा पकड़ा था ठीक है तो कोई टेंशन नहीं है थ्री ऑफ सोर्स ओके यही था बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोट्स ओके ऑफ सोट्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स फूल ओके तो आपके साथ में ये दिक्कत है आप सरेंडर नहीं कर पाते हैं बहुत टेंशन लेते हैं क्यों भाई किस लिए अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो मेरी रीडिंग्स देखते रहते हो तो, तो ऐसी एनर्जी में नहीं होने चाहिए वो आप कुछ नए लोग हैं देख रहे हैं रीडिंग तो उनसे तो मैं यही कहूँगी कि भाई देखिए जब आप प्रयास करते हैं और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका काम नहीं बन रहा वैसा सब कुछ नहीं हो रहा जैसा कि होना चाहिए तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए गाइज़ ठीक है सरेंडर का मतलब क्या है वो भी समझा देती हूँ सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ सरेंडर कर दो लोग कहते हैं ठीक है कुछ करना ही बंद <laughs> नहीं वो नहीं सरेंडर का मतलब होता है कि हमें मैनिफेस्ट करना है और उसके बाद हमें ये चिंता नहीं करनी है कि आउटकम क्या आएगा और कितने दिनों में आएगा ओके okay? सपोज आपका कोई बिजनेस है आप पूरा आप पूरी मेहनत लगा रहे हो अपनी दिन रात काम कर रहे हो लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा जैसा आप चाहते हो उतना फेम उतना नेम उतना पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है जितना कि आपने सोच कर रखा है तो इसका मतलब क्या है आप ओवर थिंक करोगे बीमार हो जाओगे नहीं आपको क्या करना है मेहनत करते रहना है आपको प्रार्थना करनी है और ईश्वर से बोल देना है कि भाई आपको जब ठीक लगे आप मेरे लिए वो करना जो मेरे लिए बेहतर है मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरे त्याग को देखते हुए अब आप जाने मुझे कुछ नहीं पता ठीक है कह दो और बस खत्म कहानी देखो बिजनेस करोगे या जॉब करोगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो हर चीज़ परमानेंट नहीं होती है ठीक है सपोज़ अगर मैं यहाँ पर बोल भी देती हूँ कि आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा वो तो खैर मैं अभी देखूंगी कि, कि करियर कैसा रहेगा लेकिन मैं बता रही हूँ अगर मैं आपसे बोलती भी हूँ कि आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा बहुत अबंडेंस है ये वो तो क्या आपको लगता है कि कभी उतार चढ़ाव आएंगे ही नहीं या रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चलेगा तो कभी क्या फाइट होगी नहीं आपके पार्टनर के साथ में फ़ैमिली के साथ में क्या हमेशा बनकर ही रहेगी ऐसा नहीं होता पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या लर्न करने की जरूरत है कि जब अच्छे दिन हैं तब तो हम वैसे ही खुश रहते हैं लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तब हमें कैसे खुश रहना है कैसे खुद को संतुलित बनाए रखना है संतुलन कैसे बना कर रखना है लोगों का मैंने देखा है ऑफिस में गए काम अच्छा नहीं चला डांट पड़ी घर आकर अपने फैमिली मेंबर्स पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया क्योंकि बॉस पर नहीं निकाल सकते बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हम अपने कस्टमर से कुछ नहीं कह सकते तो घर वालों पर निकाल दिया गुस्सा क्यों भाई उनकी क्या गलती है और आप अगर ऐसा कर, रहे हो तो आपके लिए भी गलत है क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में रहोगे ठीक है तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे आप नेगेटिव एनर्जी में जाओगे तो बिजनेस और भी ज्यादा आप समझ जाओ घाटे में ही जाएगा आप जहां पर जॉब कर रहे हो वहां पर मुश्किलें ही बढ़ेंगी अगर आप परेशान हो और आपको कोई और नया काम दे दिया जाता है तो आप उसमें गलतियां करोगे मतलब नुकसान आपका ही है हर तरफ से दूसरे का नहीं है हाँ जिस पर गुस्सा दिखाओगे ना वो ज़रूर आपसे दूर हो जाएंगे कि ठीक है ये इस तरीके से बात करता है हाँ हटोई हाँ, से बात ही नहीं करनी हमें तो आप खुद देख लो कि कहां पर आपका नुकसान है कहां पर फायदा ठीक है ना तो यहां पर मैं देख पा रही हूं कि शायद एक तो आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है आपका कोई भी काम ऐसा हो सकता है जहां पर आपको बहुत दौड़ लगानी पड़ती है और उसके बाद भी शायद रिजल्ट्स आपको वैसे नहीं मिलते जैसे कि आप चाहते हो सोचते रहते हो कि कहाँ गलती हुई क्या हुई सोचना ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा सोचना नहीं लिमिट से ज्यादा नहीं यहाँ पर आपके लिए जो संदेश मुझे मिल रहा है वो ये कि आपको भाई सरेंडर करने की जरूरत है ठीक है ना मेहनत करो मैनिफेस्टेशन करो एक डायरी लो डायरी में लिखना शुरू करो कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच मुझ। आपने मुझे ये दिया आपने ये चीजें मुझे दी अच्छे फ्रेंड्स दिए फैमिली दी दि, आपने ये जॉब मुझे दी इस तरीके के अनुभव आपने मुझे दिए इनसे मैंने सीखा और थैंक यू सो मच मेरा काम अब बहुत अच्छा चल रहा है नहीं अच्छा चल रहा है राइट right? नहीं चल रहा है फिर भी आपको कहना है कि हाँ मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है मैं बहुत खुश हूं ओके okay? और एक दिन वो हो जाएगा हमेशा खुश रहना सीखो खुशियां तभी अट्रैक्ट कर पाओगे अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा आप जो सोच रहे हो वो आप देख लेते हैं और कार्ड्स क्वीन अन्स लो कोई ना वॉन्ट्स के एनर्जी है यहाँ पर तो अगर आप कोई ना वान्स के एनर्जी में नहीं है तो कोई नॉन्ट्स की एनर्जी में आ जाइए और अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है कोई ना वान्स की होती है कोई ना वान्स ऐसी होती है जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है <laughs> लोगों को अट्रैक्ट करती है अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करती है अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है इतनी पावरफुल होती है क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है वो खुद को समझती है ख़ुद को जानती है ख़ुद की इम्पोर्टेंस को समझती है ईश्वर को थैंक्स बोलती है कि ईश्वर ने उन उसको बनाया वो कितनी अच्छी है यही मैं बोलती हूँ सभी को करने के लिए ठीक है करियर आपका बहुत अच्छा है गाइस मैं इसी कार्ड से बता सकती हूँ बट आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है और अगर आप पॉजिटिव हैं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी कुछ समय के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी मजिशियन सी मैंने अभी कहा और देखो कार्ड क्या आया मजिशियन यानी कि आपको पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्ट करते रहना है इसके अलावा कुछ नहीं सरेंडर कर दो मजिशियन यानी कि जादूगर सब कुछ उसके हाथों में होता है वो ऐसे चुटकी बजाएगा मेरी बजी नहीं <laughs> ऐसे चुटकी बजाएगा और काम हो जाएगा भाई <laughs> ठीक है भाई मेरी नहीं बजी चुटकी नहीं बजी क्योंकि मुझे क्रीम मैंने क्रीम अरे हाँ मुझे याद आ गया मैं दिखाऊंगी मुझे कोई बोल रहा था कि मैम आप अपने हाथों में कौन सा क्रीम लगाते हो हमें वो चाहिए तो वो मैं दिखा दूंगी क्योंकि वही लगा कर मैं बैठी हूँ <laughs> और मेरे हाथ फिंगर्स स्लिप हो रही है और दिखाती हूँ भाई यहाँ पर है थ्री ओव्स ओके आई थिंक जो भी हो आपका काम अगर आप ये भी uh, देख रहे हो रीडिंग कि आपका uh, करियर किस फील्ड में होगा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो आप ऐसा करोगे जहां पर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ठीक है पहला कार्ड जो आया वो भी ट्रैवलिंग का है ये वाला कार्ड भी ट्रैवलिंग का है और ये जो फूल की एनर्जी है ना वो भी कही कहीं ना कहीं ट्रैवल को ही बताती है समटाइम्स हमेशा नहीं कॉम्बिनेशन की बात हो जाती है तो कुछ तो आप ऐसा जरूर करोगे जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा बट सक्सेस बहुत है ठीक है सक्सेस तो बहुत है बट आ, ऐसा है जैसे कोई अगर काम आप शुरू करने वाले हो मैं बता दूं तो उसको कुछ तो टाइम लगेगा Uh, उसमें सक्सेस मिलने में हो सकता है कुछ सिक्स मंथ्स का टाइम लगे उसके बाद आपको सक्सेस मिले ठीक है अगर पहले से कोई बिजनेस कर रहे हो कोई जॉब कर रहे हो तो मैं बता दूं कि सिक्स मंथ्स के बाद ही कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा जैसा कि आप चाहते हैं जैसा कि आप मैनिफेस्ट करते हैं ठीक है कुछ लोगों के लिए थ्री मंथ्स हो सकता है और ज्यादातर तो लोगों के लिए सिक्स मंथ्स है यहाँ पर उसके बाद ना किस्मत आपकी चमक जाएगी ठीक है देखो मैंने अभी बोला ना और देखो व्हील का कार्ड आ गया मैंने कहा ना मैं तभी बोलती हूं ऐसे नहीं बोलती ठीक है व्हील का कार्ड है ये बहुत अच्छा कार्ड होता है अगर करियर की रीडिंग में आ जाए तो रिलेशनशिप में भी होता है लेकिन करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा है सो यस भाग्य भाई आपके फेवर में ही काम करेगा लेकिन आने वाले तीन से छह महीनों में मैनिफेस्ट करते रहो ढीले मत पड़ना बस ये ये कहूँगी मैं आप लोगों से सी फॉर अ सेलिब्रेशन देख लो खुद देखो मैं यूं ही नहीं बोलती हूँ ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि इतने ही महीनों बाद हो सकता है आपकी शादी हो जाए और उसके बाद कुछ हो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है सभी के लिए नहीं बट ये सेलिब्रेशन का कार्ड है ठीक है ना सो तैयार हो जाओ अभी अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी ठीक है ना यहाँ पर जो लोग हैं फायर साइन हो सकते हैं एयर साइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओके लो टेंपरेंस यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ गया कि भाई संतुलन बनाएं वही मैं बात कर रही थी और देखो वही कार्ड आ रहा है आपको संतुलन आपको संतुलित रहने की जरूरत है संतुलन बनाकर रखें अपनी ऊर्जाओं में और फिर देखो क्या नहीं होता यकीन मानो ठीक <laughs> है अपने फायर एंड वाटर एलिमेंट्स को संतुलित रखो चीज़ें तभी अच्छी होंगी बहुत ज़्यादा इमोशनल होना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा खुश हो जाना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना दोनों गलत है मैं वैसे भी कहती हूँ बहुत ज्यादा खुश भी होने की जरूरत नहीं है इतने खुश हो गए कि खुशी खुशी मैं कुछ भी कर डाला ठीक है तो संतुलन बना कर रखो और ये तो अपने दिमाग से हमेशा निकाल दो कि उनके दिन अच्छे हैं हमारे नहीं हैं उनके उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारी लाइफ में अच्छा नहीं होता ऐसा नहीं होता आप उनके पास जाकर बैठो उनसे बात करो फिर पता चलेंगे उनके जीवन में क्या कुछ हो रहा है उनकी बातें पता चलेंगी आपको बुकाएंगे कि भाई हाँ हमारे घर में ऐसा है हमारी वाइफ के साथ ऐसा हो गया हमारे हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है ये है वो है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं बोलते हैं ये भी मैं बता दूँ क्योंकि उनको ये रहता है कि अगर हम अपनी तकलीफें इनको बताएंगे तो ये हंसेंगे तो उनकी लाइफ में भले ही कुछ अच्छा ना चल रहा हो फिर भी सामने से ये बोलेंगे यार हमारी लाइफ में तो मौज है मौज ठीक है तो कभी किसी को मत देखो अपनी जिंदगी को देखो और उसको सुधारने का सोचो बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है फोर ऑफ पेंटिकल्स ओके हो सकता है आपका भी नेचर ऐसा ही हो कि आप खुलकर नहीं बात करते सिक्स ऑफ विक्ट्री एंड यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स ढेर सारे प्रपोजल्स आने वाले हैं आपके लिए क्योंकि यहाँ पर आ गया है टेन ऑफ पेंटिकल्स तो अब मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगी <laughs> आपको पता है टेन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है ढेर सारी अबर्नेंस ठीक है सो so, करियर आपका बहुत अच्छा है अगर अभी अच्छा नहीं चल रहा है तो आगे बहुत अच्छा समय आने वाला है छः महीने की मैंने बात करी थी यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स हैं ठीक है सिक्स और सेवन मंथ्स जो भी होंगे और अगर अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आगे तो और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है आ, खुश रहें इसको देखते हुए आपकी हेल्थ भी देख लेती हूँ कि हेल्थ कैसी रहने वाली है ओके हेल्थ अच्छी रहेगी योगा शुरू करेंगे आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं अभी आ, तो मैं कहूंगी कि करने लग जाओ ठीक है योगा करोगे तो थोड़ा बेहतर लगेगा आपको सो so, गाइज ये थी आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई हो और नहीं मैं एक काम और करती हूँ मैं आपके लिए बाबा का कार्ड पढ़ लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर बाबा के डिवोटीज आते हैं मेरे चैनल पर तो बाबा का मैसेज मैं पढ़ूंगी उसके बाद ही जाऊंगी भैया से नहीं जाऊंगी बाबा आप बताइए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इन लोगों को भाई दे दीजिए इतनी उम्मीद से आते हैं आप आपके पास कहते हैं कि भाई इनकी प्रॉब्लम का सलूशन आप बताएं तो आप बता दीजिए भाई दो आ गए फेस द पेन एंड चेंज ओके तो चेंज यहाँ पर ये यह कार्ड बताता है कि भी चेंजेस तो आते ही हैं लाइफ में और जैसे जैसे आते जा जाएं उनको फेस करते जाओ कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो शायद आपको अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन वो आपके लिए अच्छे हैं फेस द पेन बताता है कि हो सकता है आपके अंदर डर रहता हो कि कहीं बुरा ना हो जाए कहीं बुरा ना हो जाए कहीं हमें रोना ना पड़ जाए कहीं हमें दुख झेलना ना पड़ जाए तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने अंदर इतनी ताकत लेकर आओ कि अगर कोई पेन आता भी है तो आप उसको फेस कर लोगे ठीक है क्यों कह रहे हैं क्योंकि जब आपके अंदर से डर निकल जाता है तो वो चीज़ें फिर नहीं होती जिस बात को लेकर आप डरते हैं ना वही आपको फेस करना पड़ता है ठीक है सो so गाइज ये थी आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज लाइक करें करी हो तो मुझे बताना ना भूलें सब्सक्राइब करना सस्वीकाल so hey मैं हूँ सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनका बर्थ डेट है सिक्सटीन से लेकर थर्टी फर्स्ट तक ओके okay? उनकी मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है उनका करियर कैसा रहने वाला है उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है ब्लॉकेजेस होंगे तो देखूंगी, गाइडेंस आपके लिए देखूंगी, सो so, ये है आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप कुछ देर जिनमें भी आपको विश्वास है, उनसे प्रार्थना करें कि आप कि आ, ये रीडिंग हो क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किसके लिए मैसेजेस आएंगे जनरल रीडिंग होती है यूनिवर्स किन को मैसेजेस देगी वी डोंट नो तो आप प्रार्थना करें कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे ओके ऑल द बेस्ट हे गाइस तो मैं रीड करने वाली हूँ आपके कार्ड्स अब देखते हैं क्या आता है कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ चलिए देखते हैं एक कार्ड निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर आ रहा है टेन ऑफ वन्स ओके फायर hmm. साइन हो सकते हैं आप या फिर जिनके साथ में आपकी शादी होगी वो हो सकते हैं काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उन पर और आप पर तो मुझे लग रहा है कि पहले से ही हैं ओके okay, यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि हो सकता है ये आप अपनी सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो ठीक है सभी के लिए नहीं है फोर्टी परसेंट लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि शायद आप अपना सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो पहली मैरिज आपकी नहीं चली मुझे ये तो नहीं लग रहा कि बहुत फाइट वगैरह हुआ हो आई थिंक आप बड़े आराम से अपने पार्टनर से अलग हो गए हैं सोच विचार करके बट uh, उसके बाद जिम्मेदारियां आप पर काफ़ी आ गई हैं अगर आपका कोई बेबी है तो वो भी है और मतलब उसकी भी जिम्मेदारियां हैं और आई थिंक आप कुछ करना भी चाहते हैं या फिर आप कर रहे हैं खुद का अपना कोई बिजनेस हो सकता है या जॉब हो सकता है ठीक है ये फोर्टी परसेंट लोगों के लिए है बाकियों के लिए नहीं वैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाँ आप आ, सोचते बहुत ज़्यादा हैं और आपको आपके आ, आ, आप आप पर जो बोझ है ना वो इस बात का है कि शायद आपके घर वालों की सोच अलग हो और आपकी सोच अलग हो आप कहीं और शादी करना चाहते हो और जिससे शादी करना चाहते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे कि आपके पेरेंट्स की सोच में है कोई ठीक है सो इस बात की दिक्कत है आपको कि कैसे उनको कन्विंस किया जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को जानते हैं पहले से ही और आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे ओके okay? और आपको लगता है कि किस तरीके से सब कुछ होगा क्योंकि आप किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते एंड हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं आप पर ढेर सारी कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप शादी को लेकर इतना खुश नहीं हैं और किसी तरीके का फोबिया हो सकता है कि शादी के बाद शायद लाइफ इतनी अच्छी ना रहे या फिर हो सकता है आप आप पहले से ही जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं तो आपको लगता हो कि ये एक और ज़िम्मेदारी लेना ज़रूरी है क्या <laughs> नहीं मैं कर पाई कुछ नहीं कर पाया कुछ वैसा जैसा कि मेरे हस्बैंड या वाइफ एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अगर कुछ अच्छा रहता है यहाँ पर रीडिंग में आता है कि शादी के बाद सब कुछ अच्छा रहेगा तब तो सोचते हैं वरना रहने देते हैं क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं बार बार ठीक है तो यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हुई तो जिससे जो रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना ओके कुछ तो काम आपका ऐसा है कि शायद आप घर पर ना रहते हो ज्यादा और ये भी एक वजह हो जिसकी वजह से आपको लगता हो कि पता नहीं शादी करना ठीक है या फिर नहीं है थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर ओके अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में दो ऑप्शन हों या दो से ज़्यादा हो सकते हैं तो आपको लगता हो कि रिश्ते आ रहे हों हो सकता है रिश्ते आ रहे हों प्रपोजल्स आ रहे हों मतलब लव प्रपोजल्स एंड अरेंज मैरिज के रिश्ते ठीक है और अभी आप सोच रहे हो कि अब तो बहुत हो गया अब अगर मैंने नहीं सोचा शादी के बारे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी ये लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए ये ये मैसेजेस मिल रहे हैं और साइन हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर ऐसा भी हो सकता है ओके okay, एंड यहाँ पर है लवर्स ऑलराइट राइट right. ये आ, पार्ट वन में भी आया था कार्ड ओके okay. किसी को पसंद तो करते हैं आप और बहुत पसंद करते हैं बट आई थिंक आपका करियर बीच में आ रहा है जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हैं थोड़े से कंफ्यूज हैं आप कि शादी करें नहीं करें या फिर इनसे हो भी पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी इससे होती है तो ठीक है वरना फिर रहने देते हैं अगर इसके साथ में बनती है तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो शादी में पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं आपको किसी एक से ही करनी है उससे होती है तो ठीक है वरना रहने दो कुछ ऐसी वाली एनर्जी मुझे लग रही है चलिए और देख लेते हैं कुछ देंट ओके कमिटमेंट हम्म जल्दी आप किसी से हाँ नहीं बोलते है <laughs> ना क्योंकि आपके साथ ऐसा है कि एक बारी हाँ बोल दिया तो बोल दिया और इसीलिए सोच समझ कर फैसला हैं यस डिसीजन किंग ऑफ सोर्स ये बहुत बड़ा डिसीजन है आपके लिए शादी करना तो आप थोड़े से चिंतित हैं कि करें या नहीं करें अगर अच्छा नहीं रहता है तो नहीं करेंगे स्ट्रेंथ हो सकता है आप मेडिकल फील्ड में हो डेंटिस्ट हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर साइन हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर और ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ें मैंने आपकी बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों अगर आप उनसे मिल चुके हैं अगर नहीं मिल चुके हैं तो मैं बता दूं कि शायद जिनके साथ में आपकी शादी होगी वो कुछ ऐसे हो सकते हैं ठीक है आपको जल्दी कमिटमेंट नहीं दें थोड़ा टाइम लगाएं सोचने समझने में उसके बाद कहीं आपको हाँ बोले और रीज़न हो सकता है उनका करियर या फिर कुछ उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है या फिर उनके पास ऑप्शंस कई सारे होंगे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है देखते हैं शादी के बाद कैसा रहेगा ये तो मैंने अभी एनर्जी सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आपको समझ आए कि आपकी रीडिंग है भी या फिर नहीं है है ना है तो आपकी रीडिंग देखें वरना क्यों टाइम वेस्ट करना फोर ऑफ सोर्ड्स वेरी नाइस टेन ऑफ कप्स ओके तो बहुत अच्छी रहेगी ये शादी आपकी आराम मिलेगा सुकून मिलेगा आपको अगर आप इनको जानते हो पहले से और ये एनर्जी आपके पार्टनर की है तो बेशक आप बहुत ही थका हुआ सा महसूस करते होंगे क्योंकि टेन ऑफ वॉर्न सबसे पहले ही आया था ठीक है और अगर ये आपकी एनर्जी है कि आपको समझ नहीं आता कि आपको शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए या फिर कैसा रहने वाला है शादी के बाद तो यहाँ पर बता दूँ कि पहला कार्ड ही इतना अच्छा आया है फोर ऑफ सोर्स का एंड देन टेन ऑफ कप्स तो सुकून मिलेगा आपको आपका सपना भी है शायद कि आपका एक घर हो छोटा सा आपकी फैमिली हो लेकिन या तो आपके करियर की वजह से या फिर आपके सपने कुछ इतने ज़्यादा हैं और भी इसके अलावा भी कुछ ऐसे सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप शादी के लिए नहीं सोच पाते सो so, यहाँ पर दिक्कत आती है कन्फ्यूज हो जाते हैं आप कि आपको अपने गोल्स देखने हैं या फिर अपनी शादी देखनी है या क्या करना है तो मैं बता दूं कि शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा ऐसी कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही जिसकी वजह से आप इतना ओवर थिंक करूँ ओके okay? और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो मैं आपको बता दूं कि भाई बहुत खुश रहेंगे इस शादी के बाद में आप नहीं मिले हैं तो जब मिलेंगे तब के लिए बोल रही हूँ ठीक है एट ऑफ सोर्ट्स यस आप बहुत ओवर थिंक करते हैं है कुछ नहीं लेकिन आपके दिमाग में बातें चलती रहती हैं मेडिटेशन किया करो ठीक है सेवन चक्र हीलिंग में ये कार्ड्स नहीं ले रही हूँ गाइस मैं तैयार नहीं थी एक साथ इतने सारे कार्ड्स आ गए मैं नहीं लेती हूँ ठीक है सेवन चक्रा हीलिंग की मेडिटेशन करो वो आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है द सी पर सरेंडर की एनर्जी है आपको सरेंडर करने की जरूरत है ठीक है ना सरेंडर करोगे ना सारे काम आपके बनने लग जाएंगे मुझे ये लग रहा है विद इन टू मंथ्स किसी की शादी होने वाली है जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं विद इन टू मंथ्स या फिर हो सकता है विद इन टू डेज कुछ तो कोई तो ऐसा जरूर है या टू वीक्स हो सकते हैं ठीक है किसी की तो शादी होने वाली है फॉर श्योर sure. और वो थोड़ा सा नर्वस है उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कैसा होगा शादी के बाद हम जिससे शादी करना चाहते थे वही हमें मिल रहा है लेकिन अभी हमें डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा ये मैसेज मुझे मिला है मुझे बताना किसकी यही है ना जी ठीक है ना टू ऑफ बॉर्स हम्म टू ऑफ बॉन्स यहाँ पर किस लिए है हमें बताएं ये टू अब क्यों आया Emperor, किसी से हाँ का इंतजार है किसी से हाँ का इंतजार है कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो गया शादी वादी होने वाली है लेकिन बाकियों का मुझे लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं किसी के हाँ का वेट कर रहे हैं और जो मैस्कुलिन एनर्जी में है और हाँ नहीं बोल रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं कि अगर इनके साथ में शादी होती है तो लाइफ कैसी रहेगी क्योंकि वेट तो बहुत कर लिया अब कहीं ऐसा ना हो कि ये वेट करते करते हम और जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनको हम छोड़ते जा रहे हैं और इनके साथ भी शादी के बाद कुछ अच्छा ना रहे आई थिंक इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो हम्म 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 समझ रही होके okay, दो कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर फाइव ऑफ बॉन्ट्स यहाँ पर भी आया है और पहले पार्ट में भी आया था हुँ. बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आपको आई थिंक आप थक चुके हैं मेहनत कर करके यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है वैसे तो ये डिवाइन टाइमिंग की बात पत, करता है बट यहां पर मुझे ये लग रहा है कि आप प्रेयर्स आपने बहुत करी हैं बहुत प्रार्थनाएं करी हैं फास्टिंग वास्टिंग सब करा है कसर नहीं आपने छोड़ी कुछ देखिए कितनी मेहनत से ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं अपने गोल तक इनको जाना है कितनी मेहनत कर रही है सो so, आपने मेहनत करी है प्रार्थनाएं करी हैं लेकिन कुछ होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा तो अभी हिम्मत रहे हो आप ये हो रहा है यहाँ पर हम्म 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 हाँ है भी इतनी मेहनत करने के बाद में हार मेहनत सोल सर्चिंग कर रहे हैं सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं आपने कुछ छोड़ा ही नहीं कीवर्ड्स वगैरह भी आप ट्राई कर रहे होंगे हो सकता है आप खुद एक हीलर हो या रीडर हो ओके okay. अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि हो ही नहीं सकता है ना बट इस एनर्जी में नहीं रहो क्योंकि आपके लिए टेन ऑफ कप्स आया है फोर ऑफ सोर्स आया है ये शादी हो गई तो आप खुश रहेंगे बट ऐसे सोचकर मत बैठो कि इन्हीं के साथ शादी होगी तभी आप खुश रहेंगे शादी के बाद आपकी लाइफ अच्छी रहेगी मैं ये बता रही हूँ ठीक है अगर इनके साथ होती है तो भी अगर इनके साथ नहीं होती है तो भी ठीक है शादी के बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी ये जान लो और सरेंडर कर दो बस यूनिवर्स आपके लिए जो बेस्ट होगा ना वही ला कर देगी अगर ये आपके लिए बेस्ट है तो ये आपको मिलेंगे अगर ये आपके लिए बेस्ट नहीं है तो कोई और आपको मिलेगा मैं एक बात क्लियर कर दूँ आप लोगों को ठीक है यहाँ पर कि जब भी कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाई हमने मैनिफेस्टेशन किया लेकिन हमें वो नहीं मिला ओके okay? तो हमारी ईश्वर ने सुनी नहीं ये गलत है ये सोच बिल्कुल गलत है अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं अपनी तरफ से आप सब कुछ कर चुके हैं जैसे आपने अपनी फीलिंग्स भी सामने वाले को बता दी उसने आपको ना बोल दिया ठीक है फिर उसके बाद आपने मैनिफेस्टेशन भी किया वो नहीं मिला इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो भाई था कुछ गड़बड़ जो हमें नहीं दिखाई दे रहा था जो यूनिवर्स देख रही थी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सुन सकते ऊपर वाला सुनता है तो अगर सामने वाले ने आपको ना बोला है अगर उसके साथ में आपकी शादी नहीं हुई है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिली है ना कि आपके साथ बुरा किया गया है समझ रहे हो कितना भी अच्छा लग रहा हो वो लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं था और मैं हमेशा कहती हूं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको कहती हूँ कि अगर आप किसी देखो अगर आपने दिल खोलकर अपनी बात नहीं रखी है किसी के सामने तो मैं कहती हूँ दिल खोलकर अपनी बात रखो ईगो में मत रहो कि वो पहले कहे वो पहले कहे ठीक है ठीके? और अगर आपने कह दिया ईगो को हटाकर आपने अपनी दिल की बात कह दी कि भाई मैंने आपसे शादी करनी है मैं आपको पसंद करती हूँ या करता हूँ उसके बाद अगर उसने आपको ना बोल दिया है वापस वहां पर जाने की जरूरत नहीं है मैनिफेस्ट करो प्रार्थनाएं कर लो दो तीन महीने दे दो और अगर दो तीन महीनों में भाई बंदे का यही हाल रहता है तो मैं यही कहूंगी कि आप मूव ऑन हो जाएं कोई और मिलता है तो उसके साथ में अगर सिंगल रहना चाहते हैं तो सिंगल रहो अपने करियर पर ध्यान दो कुछ बड़ा करो क्रिएटिव करो ठीक है किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है सी हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए एक प्यार करने वाला बंदा ठीक है अगर वो हमें प्यार करता है तो वो वापस आएगा प्यार नहीं करता है तो नहीं आएगा तो हमें ऐसे बंदा हमें ऐसा बंदा चाहिए भी तो नहीं अपनी लाइफ में जो हमें प्यार ना करे ठीक है कुछ चीज़ें ही हैं जो रोकती हैं किसी को हमारे पास आने से एक तो ये कि अगर वो हमें प्यार नहीं करता दूसरा ये कि उसका ईगो बहुत बड़ा है तो हम उसका ईगो नहीं सहला सकते ठीक है हमेशा ईगो ही सहलाते रहेंगे शादी का क्या होगा रिलेशनशिप का क्या होगा हम क्या यही करते रहें तीसरा वो बहुत मजबूर है या फिर डरा हुआ है तो ऐसा बंदा भी हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए क्योंकि अगर अभी आप इतने डरे हुए हो तो शादी के बाद अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तब भी आप स्टैंड नहीं लोगे है ना इसीलिए मैं कहती हूं कि ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आओ जो आपके लिए फाइट करना जानता हो ओके जो खुद के लिए फाइट करे अगर वो आपको प्यार करता है लेकिन उसमें करेज नहीं है उसको ये है कि फैमिली नहीं मान रही सोसाइटी में नाम ख़राब हो जाएगा अगर वो इन सारी चीज़ों को इतनी प्रायोरिटी दे रहा है आपको नहीं दे रहा है तब तो भी हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा ओके okay? तो हो बेहतर होगा किसी और को देख लो अगर नहीं देखना चाहते हो तो सिंगल रहो कोई बात नहीं लेकिन हमें ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहिए और स्पेशली किसी ने आपको ना बोला हो ओके उसको आने दो खुद आने दो मैं ये नहीं कह रही कि वेट नहीं करना है आने दो फिर आप कितना भी वेट कर सकते हो दो तीन महीने उनके लिए मैंने कहा कि जो कि शादी करना चाहते हैं दूसरी अगर आप सिंगल रहना चाहते हो तो आने दो उसको अपनी तरफ से आने दो ठीक है वो आए अपनी बात रखे कि उसने ना क्यों बोला था और अभी वो आपके साथ है या फिर अगर ना भी बोलता है ना तो रीज़न दे आपको कि भाई ये रीजन है इस वजह से मैंने ना बोला था ये बात है ठीक है तब तक आप वेट करो सुनो उसके बाद जो डिसाइड करना है करो लेकिन सामने से आने दो तो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है अगर आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है तो अगर आपने नहीं जाकर बोला है तो जाकर बोल दो ठीक है ये मैं आपको राय दूंगी लेनी हो तो नहीं तो कोई बात नहीं आपकी जिंदगी है आप समझोगे एट ऑफ वॉन्स ओके सो पैशनेट कनेक्शन होगा बातें आपकी बहुत होंगी आप दोनों ही बात करने में बातें करने में एक्सपर्ट हो टॉपिक्स ऐसे होंगे आप दोनों के बीच में जिसमें आप घंटों बात कर सकते हो ठीक है घूमना फिरना आपका बहुत होगा और इस शादी के बाद में कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप अभी इस एनर्जी में नहीं हो तो इस शादी के बाद में आप इस एनर्जी में आओगे कहीं ना कहीं आपको अपना सोल पर्पजस मिलेगा शादी में आने के बाद में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे और uh, कुछ ऐसा होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ठीक है कुछ बहुत बड़ा मैन कहीं ना कहीं आप ये सीख जाओगे कि एक प्लानिंग के साथ में काम कैसे करते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचने लग जाओगे क्योंकि आपका पार्टनर कुछ प्रैक्टिकल होगा हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हों ठीक है तो आप दोनों का ना एक बैलेंस बन जाएगा आप इमोशनल हो वो प्रैक्टिकल है तो कहीं ना कहीं आप उनको इमोशनल होना सिखाओगे और वो आपको प्रैक्टिकल होना सिखाएंगे ऐसा हो सकता है प्लानिंग के साथ में कैसे काम करना है कोई नॉन्ट्स भाई चलेगी आपकी बहुत अट्रैक्शन <laughs> बहुत होगा आपकी सुनी बहुत जाएगी रिस्पेक्ट होगी और कहीं ना कहीं लोग आपसे बहुत ही प्रभावित रहेंगे आपका पार्टनर भी उनके घर वाले भी आपकी सुनी जाएगी ठीक है ये समझ लो सुनी आपकी बातें जाएंगी शुरुआत में एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा और वो सभी को होता है बट जैसे जैसे दिन निकलेंगे जैसे शादी के कुछ आठ महीने बाद से चीजें बिल्कुल पलट जाएंगी आपकी एक जगह ही अलग बन जाएगी सभी के दिलों में ठीक है ऐसा होने वाला है थ्री ओ वॉन्स यस वहीं मैंने कहा कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन फिर चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे आप चाहते हैं ये आ, एक तरीके से वैसी ही शादी होगी जैसे कि आप ड्रीम किया करते थे ओके बट हाँ यहाँ पर एंड थ्री ऑफ थ्रियोवॉन्स दोनों ही हैं तो ये दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं कि हो ना हो अगर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो ये वर्क आपको करते ही रहना पड़ेगा और अगर ये कोई स्परिचुअल कनेक्शन नहीं है तब भी आपकी लाइफ को एक नई दिशा मिलेगी आपका जो पार्टनर है ना वो आपको कुछ नई चीज़ें सिखाएगा नई बातें बताएगा जीवन का एक नया मतलब आपके सामने रखेगा ठीक है आप कुछ भी कर सकते हो कुछ भी बहुत बड़ा जो कि मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर अभी मैं ऐसे तो नहीं कह सकती क्योंकि इतना डीप हम रीडिंग नहीं कर रहे लेकिन कुछ करेंगे आप कुछ बहुत बड़ा नाइन ऑफ पेंटिकल्स सी अबंडेंस आएगी ढेर सारी आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ये चीज रही है ना अभी तक कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते आपको किसी के सहारे की जरूरत है वो चीज आपके अंदर से निकल जाएगी आप अकेले ही कुछ करोगे और बहुत बड़ा करोगे ठीक है C, high Harmet, three of ones, high ये और यहां पर हेरोफ्रेंड भी है आप कोई हीलर बन जाओगे ठीक है या फिर रीडर बन सकते हो या पता नहीं क्या बट कुछ ऐसा करोगे जिससे आप खुद की और दूसरों की ज़िंदगी बदल दोगे ये मैं देख पा रही हूँ ठीक है ये भाई मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ गया कुछ बहुत बड़ा करेंगे आप शादी के बाद हो सकता है अभी सोचते हों लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिलता हो और शादी के बाद भाई आपको सपोर्ट मिलेगा अगर आप डिवोर्सी ही हैं और सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप और अगर आपके बच्चे हैं तो सभी बहुत खुश रहने वाले हो आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो करने देगा ठीक है अपने तरीके से हेल्प ही करेगा बल्कि और मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप अपने लॉस के साथ में ना रहें कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं रहेंगे तो ठीक है बनेगा सबका मुझे यहाँ पर कोई फाइट वाइट नज़र नहीं आ रही है बहुत अच्छी बात है बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आप शायद कहीं और ही रहेंगे अपने हस्बैंड के साथ में या वाइफ के साथ में ठीक है यहाँ पर है मोरेलिटी ओके मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं बन सकते हैं आप और हो सकता है एडवोकेट हो आप लॉयर हो जज हो आपके पार्टनर ठीक है मुझे यहाँ पर ऐसे एनर्जी मिल रही है इंटेंसिटी कनेक्शन आपका अचानक से होगा अचानक से परिवर्तन होगा लेकिन हाँ आप, आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में हो ही क्यों और आपके होने का मतलब क्या है तो उसका मतलब आपको समझ आ जाएगा आपका पार्टनर आपको समझा देगा भाई कंट्रोल ये दोनों ही कार्ड्स कुछ कुछ एक जैसे ही हैं अगर आप देखोगे ऐसे भी देखोगे और अगर मतलब भी जानोगे तो जैसे चैरियट होता है ना उसकी एनर्जी भी आ रही है सो so, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना सीखेंगे आप ठीक है yes. यस मैंने कहा ही आप दूसरों को कंट्रोल में लेंगे अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेंगे आपको बैलेंस बनाना आ जाएगा ठीक है ना बहुत अच्छी एनर्जी है करेंगे आप कुछ बहुत बड़ा करेंगे और देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है लत्सी यहाँ से मैं देखना चाहूँगी पहले आपसे मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी एनर्जी लो होती है तो उसको लो ना होने दें ठीक है ओवर थिंक कम करें क्योंकि उससे आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो लोग रीडिंग देख रहे हैं ना वो किसी ऐसे फील्ड में है जहाँ पर लोगों को फिट होना बता, फिट कैसे रहना है ये बताते हैं पढ़ाते हैं लेकिन खुद की हेल्थ का ये हो रखा है अब मुझे बताइएगा कि किसकी किसकी एनर्जी आ रही है आपके लिए यहाँ पर कार्ड क्या आया है ओके सो सी जहाँ पर फायर एंड वाटर दोनों ही एलिमेंट्स को बैलेंस में कर लिया जाए तो ये जो एक ऊर्जा तैयार होती है ना वो कुछ बना भी सकती है और कुछ बिगाड़ भी सकती है इतनी पावरफुल हो जाती है ठीक है आपके लिए जो कार्ड आया है ये कार्ड यही बताता है कि या तो आप ऐसी जगह पर आ चुके हो ठीक है लाइफ में बहुत कुछ झेलते हुए आज आपको समझ आ गया है कि आप क्या हैं और आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं बना सकते हैं बिगाड़ सकते हैं ठीक है इतने पावरफुल हैं आपको ये समझ आ गया है अगर नहीं आया है तो शादी के बाद आपको ये समझ आएगा मैंने कहा ना आपका पार्टनर आपको बताएगा कि आप हो क्या ओके आप अकेले काफ़ी हो सब कुछ करने के लिए आपको ये समझ आएगा ठीक है यहाँ पर देखिए दोनों ही एलिमेंट्स हैं और कैसे एक बैलेंस बनाया हुआ है इन एंजल्स ने सो so, यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक बैलेंस बनाना आप सीख जाओगे कहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है कहाँ पर इमोशनल होना है लॉजिकली सोचना है कहाँ क्या करना है क्या नहीं कैसे कुछ खुद को मजबूत बनाकर रखना है मुझे ऐसे लगता है कि काफी सारे लोग हैं जो समझ चुके होंगे मैंने एक बात कही कि शायद आपको पहले लगता हो कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते लेकिन इस दौरान जितना कि आपने लाइफ में देखा है अभी आपके साथ ऐसा हो गया होगा कि आप जानते हैं कि आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं आपको किसी की जरूरत नहीं लेकिन अगर नहीं है तो शादी के बाद ये होगा ये यहां पर एक मैस्कुलिन एनर्जी काफी है आपके लिए ओके okay. सो so गाइज ये थी आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई हो और अब मैं देखूंगी कि आपका करियर कैसा रहेगा ठीक है mm -hmm. फिर रीडिंग है यहाँ पर हम खत्म करेंगे ओके गाइज चलिए देखती हूँ आपका करियर कैसा रहेगा ओ uh कार्ड -oh, यहाँ पर ओके फोर ऑफ सोट्स यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्स ओके काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है फ्यूचर का सोचते रहते हैं ड्रीम्स काफ़ी हैं आपके पूरे करने हैं आपको लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे किया जाए अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स हर जगह फैलने की ज़रूरत नहीं है पहले ना थोड़ा ध्यान लगाओ किसी एक काम पर आपके साथ में मैं देख रही हूँ आपके काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं और आपको सारे ही पूरे करने हैं और एक साथ ही करने हैं अगर चार जगह फैल जाओगे तो काम नहीं होगा ठीक है तो पहले जरा किसी एक कोई भी एक गोल अपना है जिसको आ, सोच लो कि मुझे ये पूरा करना है ठीक है ये मेरा उद्देश्य है और ये मेरा सपना है मुझे पहले इसको पूरा करना है जब वो पूरा हो जाए ना तो दूसरे की तरफ देखो वरना ये हालत हो जाएगी कि क्या पहले करें कैसे करें बैलेंस कैसे बनाएं बैलेंस नहीं बन पाएगा आपकी पर्सनल लाइफ भी मुझे लग रहा है ऐसी ही है अटकी पड़ी है आपके मन में सवाल चलते रहते होंगे कि आपकी ये जो आपका करियर कब हो पाएगा ठीक आपकी पर्सनल लाइफ कब हो पाएगी ठीक शादी कैसे होगी घर कैसे चलेगा अगर मैरिड है तो आपको लग रहा होगा कि घर वालों के मन का कब पूरा किया जाए उनके दिल का कब पूरा किया जाए उनकी कब सुनी जाए अपना करियर कब देखा जाए ये गलत है ऐसे अबंडेंस नहीं आती आएगी तो वो किसी एक काम से ही आएगी लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका फोकस वो तो लग ही नहीं पाता ठीक है ओके okay, दोनों आ रहे हैं टेम्परेंस देखिए मैंने बोला था ना बैलेंस बनाने की जरूरत है बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं बनता बैलेंस ठीक है और ज़रूरी है हो सकता है आप कोई टीचर हों ऐसा भी हो सकता है टीचर हों या फिर डॉक्टर हो सकते हैं या फिर हो सकता है कोई और कोर्स कर रहे हों अच्छा लोग आपकी सुनते बहुत हैं मानते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हो सकता है इस वजह से भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हों आप पर यह ड्रीम्स नहीं है जिम्मेदारियाँ हैं और आप उनको संभाल नहीं पा रहे आपको लग रहा है कि पता नहीं ऐसे ही करते करते जिंदगी निकल जाएगी क्या बट मुझे ऐसे लगता है कि आपको पहले खुद में थोड़ी शांति ढूंढने की जरूरत है बाद में कुछ और करो ठीक है यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है विथ आपको बेहतर होगा कि कुछ ऐसी किताबें आप पढ़ें जहां पर आपको कुछ आपके सवालों के जवाब मिले ठीक है कुछ नहीं तो भगवत गीता ही पढ़ लिया करो ओके थोड़ा सा मन अपना शांत करो करना आप बहुत कुछ चाहते हैं नॉलेजेबल हैं आप काफी नॉलेज है चीजों की आ, सब कुछ अच्छा है लेकिन आप कंफ्यूज हैं आप इसी वजह से कंफ्यूज हैं या तो जिम्मेदारियां बहुत हैं या फिर आपके सपने बहुत हैं और आपको सब कुछ एक ही वक्त पर पूरा करना है नहीं हो सकता ऐसे तो आपकी पर्सनल लाइफ भी बिगड़ जाएगी ठीक है ये नहीं करना है आपको बाहर बैलेंस बना रहे हो अंदर का क्या पहले अंदर बनाओ हम जो बाहर देखना चाहते हैं वो पहले हमें अपने अंदर करना पड़ता है ठीक है हम दूसरों को बोलते हैं कि भाई आप गालियां नहीं दो दूसरों से बदतमीजी नहीं करो हम तभी बोल सकते हैं जब हम खुद ऐसे हों पता चला हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं खुद गालियां दे रहे हैं तो कौन हमारी सुनेगा और हमारी आत्मा खुद हमें दिखार देगी कि अच्छा दूसरों को बता रहे हो खुद का ये हाल हो रख, हो रखा है ठीक है फाइव ऑफ कप सी आपको लगता है इतने जो ड्रीम्स हैं इनमें से एक भी पूरा नहीं होगा पूरे सारे ड्रीम्स होंगे क्योंकि आपकी किस्मत ही ऐसी है चमकने वाली लेकिन आप उसको सही ढंग से कर नहीं पा रहे हो एक टाइम पर एक ही काम करो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इक्वल इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा थ्री ऑफ सोर्स सी है आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत है इसी वजह से आपके करियर की वजह से देखो अबंडेंस है आपकी लाइफ में मैं बता दूं यहाँ पर टेन ऑफ कप्स है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है लेकिन सही तरीके से करो सब कुछ अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा किस करियर फील्ड में जाना है तो उसके बारे में भी शांति से सोचो ठीक है अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो या फिर घर वालों से बात करो कि किस आ, कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं ठीक है अगर कोई ऐसा जॉब कर रहे हो जहाँ पर ढेर सारा काम आपको ही करना पड़ रहा है तो उसको देखो कि कैसे करना है ठीक है एक टाइम टेबल सेट करो कि भाई इस टाइम पर यह करना है उस टाइम पर ये ओवरऑल मैं कहूँ तो भाई बैलेंस बनाओ अब जैसे बना सकते हो वैसे बनाओ थोड़ा टाइम निकालो खुद के मेडिटेशन के लिए पहले तो क्योंकि दिमाग खाली हो तो कुछ सोचो ठीक है ना सिक्स ऑफ वॉन्ट्स विक्ट्री तो है विक्ट्री आपको मिलेगी भी पेज ऑफ सोर्स हैंग मैन एट ऑफ कप्स नाइन ऑफ वान्स ओके यहाँ पर तो टेन ऑफ वहाँ पर तो सब उथल पुथल मची हुई है यहाँ पर कार्ड मैं निकाल रही हूँ आपके करियर को लेकर निकल कर आ रहे हैं दोनों ही पर्सनल लाइफ के भी प्रोफेशनल लाइफ के भी विक्ट्री है लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे करें इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं अटक कर बैठे हैं तो कुछ नया कर नहीं पा रहे आपको हमेशा ही कुछ नया करना है कुछ बड़ा करना है नया और बड़ा तब होता है जब खुद के अंदर शांति हो तो पहले खुद के अंदर शांति लेकर आओ थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो मेडिटेशन करो शांत होने की कोशिश करो थोड़ा ठीक है पॉजिटिव रहने की कोशिश करो सब कुछ होगा एक वक्त पर एक ही काम करो इतने सारे मत करो वरना कुछ नहीं होने वाला अबंडेंस है मैं ये बता दूं मैंने फिर भी पहले ही बताया अबंडेंस है लेकिन हो सकता है आपको ये भी लगता हो कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें नहीं मिलता या हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमसे नहीं बन रहा बन इसीलिए ही नहीं रहा है क्योंकि बना तो आप रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं तरीका सही नहीं है ठीक है प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर हैंगमैन आया प्लान करो जो भी करना है शांति से बैठकर इसके लिए अगर थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा हो सकता है आ, आपके अंदर इस तरीके के वहम हो कुछ लोगों के होते हैं कि एक दिन मैंने काम नहीं किया तो मतलब बर्बाद हो गया नहीं हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना है हम ही तो काम करेंगे हम काम करने लायक ही ना रहे कुछ दिनों बाद तो ठीक so, है सो अबंडेंस है लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखो यहाँ पर आ, मैं आपसे यही कहूँगी देखो पहला काम तो ए, ये करो अपने हाथ में पहनो ग्रीन एवेंचरन ये पहले पार्ट में भी आई थिंक मैंने बताया था ग्रीन एवेंचरन पहनो आप उसके बाद एक अपना सिल्वर का कोई रिंग डाल लो ठीक है या फिर जहाँ सोते हो ना तो जो आ, आपका बेड है तो उसके वो होते हैं ना पैर चार तो चारों पैरों के नीचे ना आ, सिल्वर का एक आ, जैसे कॉइन आता है वैसे पत्तियाँ सी ले लो और वो उसके नीचे रख लो ये काम करो ठीक है ये करो इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस है मुझे ये नहीं दिख रहा कि पैसा नहीं है बहुत है लेकिन प्लानिंग अच्छी नहीं है बस वो तो मैं कहूँगी है तो है प्लानिंग नहीं कर पाते आप ठीक से आपको लगता भी होगा कोशिश हम करते हैं लेकिन वो स्थितियाँ ऐसी हैं नहीं स्थितियाँ पर इस्तितियां कुछ नहीं है आप ख़ुद को टाइम नहीं दे रहे बहुत ज़्यादा एमिशियस होना भी गलत है बाबा की तरफ से देख लेती हूँ क्या है फेस द पेन डर भी हैं आपके अंदर आप अनसक्सेसफुल ना हो जाओ लोग आगे ना निकल जाएं ये सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रही हैं हाँ सी मैंने अभी कहा सी बाबा भी वही कह रहे हैं हार मनी आपको खुश रहने की ज़रूरत है आप खुश नहीं रह पाते एक कार्ड मैं और निकालूंगी यहाँ पर सेलिब्रेशन सी आप देख लो फेस द पेन हार मनी एंड सेलिब्रेशन यानी कि ये जो डर है अंदर ना इसको पहले निकालो अपने अंदर से कि कोई और आगे ना निकल जाए हम पीछे ना रह जाएं हमारे सपने पूरे नहीं होंगे ये वो जैसे ही आप इस एनर्जी में आओगे वैसे ही सेलिब्रेशन होगा ठीक है आने वाले विद इन टू मंथ्स कुछ ना कुछ होगा ठीक है अगर किसी ऑफर का वेट कर रहे हो मिलेगा कोई ड्रीम आपका है जो आप चाहते हो पूरा हो, होगा कुछ होगा आने वाले दो महीनों में ठीक है और मैंने जो बताया है वो करना है आपने और राइट सो ये थी आपकी रीडिंग आइज आई होप आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज़ लाइक करें रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को शेयर करना ना भूलें इस चैनल को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक के लव